फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ केयर ऑनलाइन। इस वीडियो का पार्ट वन, व्हाट इज ब्लोटिंग एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लोटिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे व्हाट कैन बी द बेस्ट होम रेमेडीज फॉर ब्लोटिंग। नंबर वन, कर्ट। ब्लोटिंग ठीक करने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना और बैड बैक्टीरिया को कम करना रहता है, जिसका सबसे अच्छा सल्यूशन होता है खाली पेट दही खाना। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारा पेट ठीक रहता है एंड इट इज आल्सो वेरी गुड फॉर अवर डाइजेशन। नंबर टू, लेमन वाटर। लेमन में राइबोफ्लेविन, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। लेमन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। आप रोज़ाना सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पिए या खाना खाने के 15 टू 30 मिनट्स पहले भी ये लिया जा सकता है। इससे डाइजेशन अच्छा होगा और ब्लोटिंग नहीं होगी। नंबर थ्री, क्लोव्स। हम सभी जानते हैं कि क्लोव्स एक हर्ब है विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग। लौंग का तेल ब्लोटिंग और गैस को कम करने के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसके लिए 2 to 5 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल 1 कप पानी में लेकर आफ्टर मील कंज्यूम करना चाहिए। इससे हमारी ब्लोटिंग की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। 4, नेचुरल टी। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि खाना खाना और तुरंत बाद चाय पी लेना, जिसके कारण हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बल्कि हेल्दी बैक्टीरिया का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं तो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंटली चाय पीने की हैबिट है तो आप उसको नेचुरल टी से रिप्लेस करते हो सकते हो, जैसे कि पेपरमिंट टी, चैमोमाइल टी, जिंजर टी या फिर लेमन टी भी ली जा सकती है। 5, फेनल सीड्स। हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने के कितने बेनिफिट्स होते हैं। फेनल सीड्स हैव अ लॉट ऑफ फाइबर, 1 tablespoon, दैट इज 6 grams ऑफ ड्राइड फेनल सीड्स में अबाउट 2 gram फाइबर होता है। फेनल सीड्स में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। फेनल सीड्स को हम पाउडर लगा के कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम सौंफ का अर्क भी ले सकते हैं, या फिर हम सौंफ का पानी बनाकर भी उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 6, एड एप्पल साइडर विनेगर टू वाटर। एप्पल साइडर विनेगर एड्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। गैस पेन को रिड्यूस करने में भी ये इंस्टेंटली हेल्प करता है। 1 tablespoon एप्पल साइडर विनेगर को 1 glass पानी में डालकर खाना खाने से पहले या फिर सुबह एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। ये गैस पेन और ब्लोटिंग को होने से रोकता है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करके पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो विनेगर होता है वो हमारे टूथ एनामल को डैमेज कर सकता है। 7, अजवाइन और कैरम सीड्स। कैरम सीड्स में एक कंपाउंड होता है थाइमोल, जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन। 1/2 teaspoon ऑफ कैरम सीड्स पानी के साथ दिन में 1 बार लेने से ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाती है। 8, जीरा और क्यूमिन सीड्स। जीरा वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी फॉर ब्लोटिंग। जीरे में कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड को, जो डाइजेशन में हेल्प करता है और एक्सेस गैस फॉर्मेशन को भी कम करता है। 1 tablespoon क्यूमिन सीड को 2 cups ऑफ वाटर में बॉइल करना है फॉर 10 to 15 minutes। ठंडा होने के बाद इसे छान लें एंड ड्रिंक आफ्टर मील्स। कुछ ही दिनों में आपकी ब्लोटिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये थे हमारे कुछ वेरी सिंपल होम रेमेडीज फॉर ब्लोटिंग। इस वीडियो का पार्ट वन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेल्फ केयर ऑनलाइन। हैव अ नाइस डे।